सिमरियावा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया पथ संचलन, जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के सिमरियावा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया पथ संचलन, जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने खलीलाबाद तहसील के सिमरियावा में सोमवार को नगर में पथ संचलन करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए स्वयं सेवकों का जगह जगह उत्साहवर्धन किया गया। आगे चल रहे स्वयंसेवक संघ व भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर स्थानीय लोगों व महिलाएं पुष्प वर्षा करती नजर आईं। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के सिमरियावा स्थित ब्लॉक परिषद में उपस्थित स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय हित एवं संगठन की शक्तियां और महत्व समझाया गया। बतौर मुख्य अतिथि गोरख प्रांत के प्रचार सुभाष ने कहा कि भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यह राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा पैदा हुए। उन्होंने मुगलों को दांत खट्टे कर दिए। जिला प्रचारक राजीव नयन ने कहा कि यह सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी, लेकिन अब यह सोने का शेर है। जो जिस भाषा में समझता है, भारत के लोग उसे उसी भाषा में समझाना जानते हैं। भारत वीरों की भूमि है, यहाँ भारत विरोधी गतिविधियों के फन को कुचलने में देरी नहीं की जाएगी। सिमरियावां ब्लॉक परिषद में बैंड बाजा के साथ पथ संचलन निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः ब्लॉक पर पहुंचकर समापन हुआ। इस पथ संचलन में सभी स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश पहने हुए थे, कुछ बालक भी इसमें शामिल देखे गए। नगर भ्रमण के दौरान लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला कार्यवाहक महेंद्र नारायण, प्रवीण त्रिपाठी, स्वयंसेवक दनघटा विधायक गणेश चंद चौहान, अंकुर त्रिपाठी, संजीव रौनक, शत्रुधन शर्मा, अमर राय, आलोक यादव, अशोक यादव, अटल पांडे, अनुभव शुक्ला, कमला पाल आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, खलीलाबाद से अमित प्रताप, इसकी रिपोर्ट। Go, hey, go!